हेलो एवरीवन, मैं शिल्पा अपने चैनल पे आपका वेलकम करती हूँ। आज हम लोग कुछ एक्टिविटीज करेंगे बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को बढ़ाने के लिए। फाइन मोटर स्किल्स यूजफुल होते हैं बच्चों की हैंड ग्रिपिंग के लिए, राइट? हैंड ग्रिपिंग के लिए, जैसे कि जब पेंसिल बच्चा पकड़ना सीखता है तो उसे पता नहीं होता पेंसिल को कैसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, कुछ बच्चे ऐसे पकड़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे पकड़ते हैं, कुछ बच्चे, तो उनको नहीं पता होता कि पेंसिल को कैसे पकड़ना है। जब प्ले स्कूल में भी होते हैं तो उनको सिखाया जाता है, ट्रेसिंग कराई जाती है, बट बच्चे जो होते हैं, अब सब बच्चों पर फोकस तो नहीं कर सकते ना टीचर्स, तो क्या होता है, कुछ बच्चे लिखते हैं, लिखना सीख भी जाते हैं, तब भी उनके हैंड्स जो है इतने ज्यादा जल्दी थक जाते हैं। आज हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जिससे बच्चा पेंसिल भी पकड़े और अच्छे से लिखना भी सीख सके। तो सबसे पहले एक्टिविटी में लेकर आई हूँ कुछ क्लिप्स, यू नो, ये कपड़े सुखाने वाली क्लिप्स होती हैं, ठीक है? तो ये सबसे पहले हम बच्चे को देंगे कुछ इजी टू यूज हल्के क्लिप्स जिसे बच्चा जल्दी से पुश कर सके। जब बच्चा कुछ दिन इसे ठीक से चला सकेगा फिर हम इजी क्लिप को रख के थोड़ी सी टाइट क्लिप देंगे। अब आप सोचेंगे अरे ये इस क्लिप से क्या होगा, इस क्लिप से बच्चा जब इस तरीके से आप पुश करवाएंगे बच्चे को तो मसाज होगी हैंड्स की, ग्रिपिंग सॉलिड होगी। ये बहुत जरूरी है हमारे बच्चों की जो ग्रिप्स होती है ना, इनको ठीक रखने के लिए। जब बच्चा इस तरीके से लिखता है, आप लिखने को बच्चे को देंगे कि बच्चे इसको ए बनाओ, बच्चा बना भी लेगा लेकिन क्या प्रॉब्लम होगा, थक जाएगा जल्दी क्योंकि पेंसिल पकड़ रहा है। तो इस तरीके से आप बच्चे को लिखने को बोलेंगे, नहीं बच्चा लिख पाएगा, जल्दी जल्दी थक जाएगा। तो अभी प्ले स्कूल में अगर आपने बच्चे को हैंड ग्रिपिंग की प्रैक्टिस नहीं कराई तो आगे आने वाले टाइम में नर्सरी, केजी और जैसे जैसे जो सिलेबस बढ़ेगा बच्चों का और बच्चों को और लिखने के लिए दिया जाएगा, उनको होमवर्क दिया जाएगा, तो बच्चे जल्दी टायर्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके की क्लिप्स की अगर आप एक्टिविटी बच्चों को रोज डेली कराएंगे, पुश करने को देंगे, इससे इन दोनों फिंगर्स की पावर बढ़ेगी और पेंसिल पकड़ने की ग्रिप अच्छी हो जाएगी। आप एक बार ट्राई करके प्लीज जरूर देखिएगा। दूसरी एक्टिविटी है बच्चों की आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए। पेरेंट्स को ना बहुत चिंता होती है, या तो हमारा बच्चा लाइन से ऊपर लिखता है, इस तरीके से ये लाइन है, तो या तो हमारा बच्चा लाइन से ऊपर लिखता है या तो हमारा बच्चा लाइन से नीचे लिखता है, ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम आती होगी क्योंकि बच्चे को पता नहीं है ना, बच्चे को नहीं पता कि किस तरीके से लिखना है। ये इस तरीके की इंग्लिश कॉपी की लाइन है, तो बच्चे को क्या है, आपने सपोज करो आज तो ट्रेसिंग दे दी, ट्रेसिंग से बच्चा सीख भी जाएगा कि हाँ ये ट्रेसिंग है, मुझे इस तरीके से करना है। बट जब आपने बच्चे को ट्रेसिंग देना बंद कर दिया तो बच्चे को, क्योंकि उसकी हैंड और आई का वो नहीं है ना, कोऑर्डिनेशन नहीं है, अब उसको तो पता है कि मुझे ए बनाना है बट कैसे बनाना है, नीचे को बनाना है, ऊपर को बनाना है। ये जो पेरेंट्स इस चीज को फेस कर रहे हैं ना, वो ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि उनके बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन बच्चों का इम्प्रूव करेंगे एक्टिविटीज करवा के, तो डेफिनेट बात है ये प्रॉब्लम उन बच्चों को नहीं आएगी। जो मैं दूसरी एक्टिविटी लेकर आई हूँ वो है आइसक्रीम स्टिक्स। तो हम बच्चों को आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है ना उसकी एक्सरसाइज कराएंगे। किस तरीके से, बच्चों को आइसक्रीम स्टिक्स का पिरामिड बनाने को देंगे, लाइक दिस, स्टिक के ऊपर दूसरी स्टिक को रखेंगे अगर बच्चे, तो इससे क्या होगा, बच्चों को बड़े ध्यान से इन स्टिक्स को रखना पड़ेगा, नहीं तो सारी स्टिक्स जो है वो गिर जाएंगी। इस तरीके से वन बाय वन बच्चा स्टिक लगाएगा, अगर वो स्टिक ठीक से नहीं लगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, उससे गिर जाएगा। तो इससे बच्चे का ना आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा क्योंकि क्या होगा, ये स्टिक है उसको हैंड से उठाना पड़ेगा स्टिक को, एंड इस तरीके से सेम जगह पे प्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो ये गिर जाएंगे। तो ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन का ना की ना अच्छी एक्टिविटी है, अगर आप ये कराएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है, आप और ऑप्शन ढूंढ सकते हैं जिससे आप ये चीजों को बैलेंस करना बच्चे को सिखाएं। इस तरीके से आप एक्टिविटी कराएंगे ना, तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली जो आपके बच्चे की मोटर स्किल्स हैं जिसमें आई और हैंड का यूज होता है, वो इम्प्रूव होंगे ही होंगे, ठीक है। अब जिन पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा नहीं है आप बच्चे को वो एक्टिविटी नहीं कराएंगे, अरे मेरे बच्चे का तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन परफेक्ट है मैं क्यों कराऊं, ये फिर भी बच्चे को इंडल्ज रखने की एक एक्टिविटी है। आप इस तरीके से बच्चे को बोलिए कि पिरामिड बनाइए, और पिरामिड बहुत सारी चीजों का हो सकता है, पिरामिड ग्लासेस का हो सकता है, ग्लास भी बैलेंस करने पड़ते हैं, है ना, तो ग्लासेस का हो सकता है। बच्चे को आप कटोरी दे दीजिए, बाउल दे दीजिए, तो बच्चा उसमें एक के ऊपर एक लगाएगा। वो एक्टिविटी मैं आपके साथ डेफिनेटली ऑप्शंस की शेयर करूंगी। तो फिलहाल मैं आपसे जो मैंने आपसे फर्स्ट एक्टिविटी जो शेयर की थी वो एक्टिविटी थी
मोटर स्किल्स इंप्रूव करने के लिए बच्चों की हैंड ग्रिपिंग के लिए, ठीक है, ये जो सॉफ्ट हो गए क्लिप्स एंड देन हार्ड पिन। सेकेंड एक्टिविटी जो मैं ये लेकर आई हूँ, ये मैं पिरामिड बनाने की एक्टिविटी लेकर आई हूँ। आज के लिए बस इतना ही, आगे मैं बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज आपके साथ शेयर करती रहूंगी। सो गाइज, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।